जब कान्हा 7 वर्ष के थे तब गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के तुरंत बाद, अंग्रेजी कैलेंडर का सितंबर अक्टूबर का महीना। फिर 7 दिन गोवर्धन पर्वत धारण, द्वादशी को यानी 10 और 2 द्वादशी को नंद महाराज को बंदी बनाना और ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन करवाना। इसके 2 दिन में थी शरद पूर्णिमा। तो इस गणित से, कैलकुलेशन से उस वर्ष शरद पूर्णिमा में रासलीला नहीं हुई थी। तो अगले साल जब कान्हा 8 साल के हुए तब हुई उनके और गोपियों की रासलीला का शुभारंभ। गोपी गीत महारास तक की लीलाएं। चलिए सुनते हैं कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में कृष्ण और गोपियों की अद्भुत लीला रासलीला। शरद पूनम की रात, अंग्रेजी कैलेंडर से सितंबर अक्टूबर, जब पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय हुआ, सभी उसकी लाल रंग की लालिमा में रंग गया। आसमान जैसे लाल कुमकुम से पुता हुआ था। कृष्ण ने चंद्रमा की उपस्थिति से खिलने वाले फूलों को और उसकी किरणों में मंद मंद प्रकाशित जंगल को भी देखा। ऐसे में कान्हा को गोपियों के प्रेम को परखने की इच्छा हुई। तब कान्हा ने यमुना किनारे वंशी वट पर अपनी वंशी यानी बांसुरी पर गोपियों के मन को आकर्षित करने वाली मधुर तान छेड़ दी। जैसे ही वृंदावन में गोपियों ने कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनी तो वे जैसे सब कुछ भूल बैठी, वशीभूत से सब कुछ छोड़ उस धुन की तरफ आगे बढ़ रही थी। वे इतनी तेजी से जा रही थी कि उनके कान की बालियां आगे पीछे हिलडुल रही थी। कहा जाता है उस पूनम की जादुई रात में जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो उसकी धुन केवल गोपियों को ही सुनाई दी। गोपियां अपने घर पर कर्तव्यों को छोड़ कृष्ण की ओर दौड़ी। वे गायों को दूर रही थी, बीच में ही छोड़ वे दौड़ पड़ी। कुछ गोपियों ने अपने हार को अपनी गर्दन के बजाय अपनी बाहों में पहन लिया। एक गोपी हाथ में गाय का गोबर लेके ही कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। कई ने चूल्हे में रोटियों को सिकते हुए बीच में छोड़ दिया। कुछ गोपियां शाम का भोजन कर रही थी, कुछ अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, किंतु सबने तुरंत अपने अपने कार्य बंद कर दिए। उनके वस्त्र गहने अस्त व्यस्त थे, लेकिन किसी भी बात की परवाह किए बिना जिस भी हालत में वे थी उसी में कृष्ण के पास जाने को दौड़ पड़ी। यदि गोपियों का कान्हा के लिए प्रेम एक दिखावा होता तो गोपियां कान्हा की वंशी की धुन सुन उसके और दौड़ने के पहले घंटों अपना श्रृंगार करती ना। उनके घर वाले तथा अन्य संबंधी तो समझ ही नहीं पाए कि अचानक क्या हो गया, क्योंकि उन्हें तो वह बंसुरी की धुन सुनाई नहीं दे रही थी, वह तो सिर्फ गोपियों के लिए थी ना। कुछ गोपियां अपने घरों से बाहर न निकल पाई, अतः वे अपनी आंखें बंद किए कृष्ण का ध्यान करते हुए घर पर ही ठहरी रही। जब सभी व्रज बालाएं वन में पहुंच गई, कृष्ण ने अनजान बनते हुए पूछा, हे व्रज बालाओं, कैसे आना हुआ इतनी रात्रि में? व्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। यह रात अत्यंत भयावनी है और जंगली प्राणी इधर उधर घूम रहे हैं। तुम्हारे परिवार जन भी तुम्हें घर पर ना पाकर तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। उनके लिए चिंता मत उत्पन्न करो, जाओ जाओ वापस ब्रज लौट जाओ। तब गोपियां इधर उधर देखने लगी। कान्हा फिर बोले, अब जब तुम लोगों ने फूलों से भरे पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख ही लिया, यमुना से आने वाली मंद वायु से हिलते हुए पेड़ों का सौंदर्य देख लिया, अतः अब अपने गांव वापस चली जाओ, देर मत करो। गोपियों का सारा उत्साह खत्म हो गया। उनको आश्चर्य हुआ कि कान्हा उन्हें ऐसे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। वे सभी अपना सिर झुकाए शोकपूर्ण अवस्था में दुख में अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोच रही थी, हम तो कान्हा के लिए अपने सभी काम छोड़कर दौड़ पड़ी, किंतु यह इस तरह से कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें पहुंची
और रुंधी हुई आवाज में कहने लगी, हे काना, आपसे इतनी निर्दयता की उपेक्षा नहीं थी। हमने तो आपको इतना प्रेम किया, आप भी हमसे उसी तरह प्रेम करें जिस तरह भगवान अपने भक्तों से करते हैं। हमने तो आज तक अपने मन को अपने गृह कार्यों में लीन रखा था, किंतु आपने और आपकी मुरली ने हमारे मन और हमारे हाथों को अपने वश में ही नहीं रहने दिया है। अब हमारे पांव आपके पास से पग भी दूर नहीं हटेंगे, हम व्रज वापस कैसे जा सकती हैं? हम वहां जाकर क्या करेंगी? हमें आपकी सेवा और साथ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए कान्हा ने कहा, तो क्या तुम्हें अपने पुत्रों का भी मोह नहीं है? गोपियों का उत्तर था, हे मोहन, ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपसे अलग है? सरल गोपियों के प्रेम और दृढ़ता के आगे कृष्ण हार गए। कान्हा भी उनके प्रेम में रम गए और उनके साथ वन में विहार करने लगे, घूमने लगे। गोपियां उनका महिमा गान करने लगी। कृष्ण गोपियों के संग यमुना किनारे गए। वहां बालू ठंडी हो गई थी, वायु में कमल के फूलों की महक थी। वे सभी वैजयंती माला धारण किए हुए गोपियों के बीच ऐसे लग रहे थे जैसे तारों से घिरा हुआ चंद्रमा हो। तभी कृष्ण ने घूमते हुए महसूस किया कि गोपियों को उन्हें पा लेने का अभिमान होने लगा है। गोपियों को अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर केशव ने कान्हा ने उन्हें उनके गर्व से उबारना चाहा, बाहर लाना चाहा, और वे एकाएक पल भर में अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए। गोपियां अपने प्रिय कान्हा को अचानक गायब देखकर उन्हें हर स्थान पर ढूंढने लगी। कृष्ण के नाम का कीर्तन करते हुए उनके लिए जंगलों के वृक्षों, पक्षियों, प्राणियों से पूछने लगी, क्या तुमने नंद के लाल को यहाँ से जाते हुए बांसुरी बजाते हुए देखा है? उन्होंने चलते हुए जरूर तुम्हें छुआ होगा, हमें बताओ वे किस ओर गए हैं? वे तुलसी के वृक्षों से, पेड़ की लताओं से, धरती माँ से, वन में विचरते हुए हिरणों से भी कहती है। हम सभी को ना घमंड हो गया था, इसलिए हमारे कान्हा हमें छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अगर तुम हमें बता दो कि वे किस तरफ गए हैं तो हम पर बड़ा उपकार होगा। कान्हा का कहीं पता न लगने पर वे स्वयं को भूलकर कृष्णमयी हो गई, उनकी याद में उन्हीं की समस्त लीलाओं का अनुकरण करने में लीन हो गई। वे कृष्ण के नाचने, चलने, हंसने, बोलने का अनुकरण नकल करने लगी, जैसे कि वे ही कृष्ण हो। गोपियां कान्हा की तरह पूतना को लेकर गोवर्धन धारण तक की सभी लीलाओं का नाट्य करते हुए उनकी स्तुति कर रही थी। तभी उन्हें पथ में कान्हा के पदचिन्ह दिखे, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल तथा वज्र अंकित थे। वे बहुत खुश हुए कि अब वे अपने कान्हा को ढूंढ लेंगे। तभी उन्हें कान्हा के पदचिन्हों के साथ बिसरते हुए एक और पदचिन्ह दिखे। उन्हें देखकर बहुत दुखी हो गई, कान्हा हमें ऐसे अचानक छोड़कर किस प्रिया के साथ हैं? क्या उन्हें वे हमसे भी ज्यादा प्रिय है? कहीं वे राधा रानी तो नहीं? सच में वे कृष्ण की सबसे प्यारी है। अरे, पर देखो, यहाँ पर अब सिर्फ कृष्ण के पद चिन्ह है, क्या उन्होंने राधा को अपने कंधों पर उठाया है? अरे, यहाँ तो कान्हा के पद चिन्ह भी नहीं है, कहीं उन्होंने राधा को भी तो अकेले नहीं छोड़ दिया? गोपियों का सोचना सही निकला। वन में कान्हा को ढूंढते हुए उन्हें राधा रानी भी अकेले विलाप करती हुई मिल गई। उन्हें ऐसे देख गोपियों को बड़ा दुख हुआ। तब राधा ने संकोच से कहा, मैंने कृष्ण को तुमसे दूर, सबसे दूर सिर्फ अपने साथ पाकर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लिया था और उनसे अपेक्षा करने लगी कि वो मुझे अपने कंधे पर उठाकर चले, क्योंकि मैं थक गई थी, और तभी कृष्ण मुझे वहीं छोड़ अंतर ध्यान हो गए। अब राधा के साथ सभी कृष्ण को वन वन ढूंढने लगी। अंधेरा बढ़ने पर सभी यमुना तट पर लौट आई और वहां पर कृष्ण के नाम का कीर्तन करने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
गोपियां कान्हा को याद करते हुए उनसे शिकायत करते हुए कहने लगी, कान्हा जब से तुमने जन्म लिया व्रजभूमि धन्य हो गई, किंतु सिर्फ हम दुखी हैं, क्योंकि हम तुमको लगातार ढूंढ रही हैं, लेकिन तुम्हारे दर्शन ही नहीं मिल रहे हैं। एक और ने तो धमकी ही दे दी, कान्हा हम तुम्हारे बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि तुमने कई बार हमारी रक्षा की है, कालिय नाग से, दावाग्नि से, इंद्र के प्रकोप से, लेकिन तुम्हारी याद में अगर हमें कुछ हो गया तो उसका परिणाम भी तुमको ही झेलना होगा। कृपा कर हमें यूं न सताओ। सभी कृष्ण से कुछ न कुछ कहना चाहती थी। कान्हा हमें तुम्हारी चिंता है, तुम्हारे पाँव में इस वन में इस तरह से घूमते हुए कांटे चुभे होंगे, कंकड़ गड़ गए होंगे, हमें निरंतर तुम्हारा ही ध्यान रहता है, तुम्हारी ही फिक्र रहती है। तुमको पता है जब तुम गैया चराने वन में जाते थे तब हम कितना उदास हो जाती थी, तब तो संध्या होते ही लौट आते थे, अब भी आप कृपा करके लौट आओ। पता है बच्चों, गोपियों की यह सब विनती गोपी गीत के नाम से प्रसिद्ध है। गोपियों और राधा इस तरह कान्हा को याद कर रोने लगी। उनका ऐसा हाल देखकर कृष्ण द्रवित हो गए और पुनः उनके बीच प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारे इस प्रेम और त्याग का ऋणी हूँ। फिर उन्होंने अपने हाथ आगे पसार कर कहा, आओ इस शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में हम महारास करें। जब गोपियों ने कान्हा को यह कहते सुना तो वे उनके बिच्छों से उत्पन्न अपना दुख और गुस्सा भूल गई। तत्पश्चात गोविंद ने वहीं यमुना के तट पर गोपियों के साथ उल्लास पूर्वक रास लीला प्रारंभ की, जिसमें गोपियां एक गोलाकार घेरे में सद गई। कृष्ण को हर एक गोपी के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए उन्होंने अपना विस्तार कर अपने जैसे कई रूप बना लिए, ताकि कोई भी गोपी खुद को उपेक्षित महसूस न करे। इस तरह किसी भी गोपी को राधा से भी जलन नहीं हुई, क्योंकि सबको यह लगा कृष्ण सिर्फ उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। घेरे के बीच राधा और कृष्ण थे, आसपास नाच रही गोपियों के साथ भी कृष्ण थे। गोपियां श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके प्रति समर्पित थी। गोपियों के कंगनों, पायलों और करघने के घुंघरुओं से मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वन में भी चारों ओर दिव्य संगीत की मधुर ध्वनि गूंज उठी। नृत्य करते गोपियों के बीच कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे। विविध रंगों से रंगे कंठों वाली गोपियों ने जोर जोर से जो गीत गाए उनसे सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। कानों के पीछे लगे कमल के फूल, गालों को सजा रही बालों की लटें तथा पसीने की बूंदें गोपियों के मुख की शोभा बढ़ा रही थी। उनके बाजूबंदों तथा घुंघरुओं के रुंझुन से संगीत की ध्वनि उत्पन्न हो रही थी और उनका साथ देते हुए भौरों के झुंड भी गुनगुनाने लगे। कृष्ण प्रत्येक दो गोपियों के बीच में प्रकट होकर 16,000 गोपियों के साथ नृत्य करने में लीन हो गए। सभी गोपियों के हाथ उनके हाथ में थे। कृष्ण ने लीला रचकर अचानक सभी 16,000 गोपियों को अपना स्वरूप दे दिया और सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देने लगे। गोपियां कहाँ हैं? अब यह भी एक कथा है कि कृष्ण ने कामदेव का घमंड तोड़ने के लिए 6 माह की एक रात्रि करके असंख्य गोपियों के साथ महारास किया था। इसी रास में मनमोहन कान्हा ने मीठी मुरली की तान से कैलाश पर्वत पर विराजित शंकर भगवान और नारदगिरी पर्वत पर आसुरी मुनि का ध्यान भंग कर दिया और उनका भी मन मोह लिया। वे बावले से हो गए और राधा कृष्ण और उनकी गोपियों की रासलीला को देखने के लिए कैलाश पर्वत छोड़कर चल दिए वृंदावन की ओर। पार्वती जी ने मना किया पर शंकर न माने। उन्होंने मुनि से कहा, कृष्ण वृंदावन में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं, उन्होंने अपनी माया से 6 महीने की रात बनाई है, मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा, तुम भी चलो जिससे तुम्हारा भी कृष्ण दर्शन का मनोरथ पूरा हो जाए। फिर वे आसुरी मुनि, पार्वती जी, गणेश, कार्तिकी और नंदी सहित वृंदावन के वंशीवट पर आ गए। वंशीवट में जहाँ महारास हो रहा था वहाँ कुछ गोपियां हाथ में बेंत लिए द्वार पर पहरा दे रही थी।
पार्वती जी तो महारास में प्रवेश कर गई, किंतु गोपियों ने महादेव जी और आसुरी मुनि को अंदर जाने से रोक दिया। ग्वाल पालिकाओं ने शंकर जी से कहा, कृष्ण की आज्ञा से हम गोपियां रास मंडल की रक्षा कर रही हैं। रास मंडल में बस गोपियां ही जा सकती हैं, और उनके साथ सिर्फ कृष्ण ही रह सकते हैं। उनके अतिरिक्त वहां अन्य कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान शंकर ने गोपियों से कहा, हमें महारास में राधा कृष्ण के दर्शन करने हैं, अतः आप ही कोई उपाय बताओ। तब एक गोपी ललिता सखी ने कहा, यदि आप महारास देखना चाहते हैं तो गोपी बन जाओ। मानसरोवर में स्नान कर गोपी रूप धारण करके इस महारास में प्रवेश हो सकते हो। भगवान शंकर यह सुनते ही अर्धनारीश्वर से पूरे नारी रूप बन गए। नारी बने भगवान शिव ने यमुना जी से प्रार्थना की, हमारी पत्नी पार्वती हमें छोड़ महारास देखने चली गई है, अब हम तो सिर्फ भस्म लगाना जानते हैं, श्रृंगार करना नहीं, अति आप हमारा 16 श्रृंगार कर दीजिए। यमुना जी ने भोले बाबा शंकर का 16 श्रृंगार किया। उन्हें चोली घाघरा आभूषण पहनाए, उनकी जटा को बांधा और घूंघट कर अब वे गोपी बन गए। भोले बाबा से गोपी बनकर मतवाली चाल चलते हुए शंकर जी महारास में प्रवेश कर गए। चंद्रमा की चांदनी, कमलों की सुगंध एवं यमुना जी के जल स्पर्श से बहती शीतल मंद हवा में उस रास मंडल में राधा के साथ कृष्ण गोपियों से घिरे हुए थे। हाथों में वंशी, अंग पर पीतांबर ओढ़े, छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला धारण किए हुए, मस्तक पर मयूर पंख, झंकारते हुए नुपुर, पायजेब, बाजू बंद करगनी, हाथों में कंगन, कानों में कुंडल धारण किए हुए नंद नंदन काना सभी गोपियों का मन हर ले रहे थे। मृदंग आदिवादियों की ताल पर गोपियां गा रही थी, कृष्ण वंशी से मधुर तान ले रहे थे। महारास में गोपियों के साथ मिलकर गोपी रूप शंकर जी अतृप्त नेत्रों से मनमोहन कृष्ण को निहार रहे थे। सभी को नृत्य करते देख भोलेनाथ स्वयं भी नाचने लगे। तभी मुरली मनोहर ने ऐसी वंशी बजाई कि भोलेनाथ अपनी सुध-बुध भूल गए और उनके सिर से घूंघट हट गया और उनकी लंबी जटाएं बिखर गई। कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और गोपी रूपधारी शंकर जी को हाथ पकड़कर खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आपका व्रजभूमि में स्वागत है महाराज गोपीश्वर। कृष्ण ने गोपी बने भगवान शंकर को गले से लगाया, आलिंगन किया। भगवान शंकर ने आनंद विवल होकर कृष्ण की स्तुति की। आज भी यमुना के निकट निकुंज के पास वंशी वट पर भगवान शंकर श्री गोपीश्वर महादेव के रूप में विराजमान है, उनका मंदिर है। इन 6 महीनों में कृष्ण की योग शक्ति से मोहित सारे ग्वालों को भान भी नहीं हुआ, पता भी नहीं लगा कि गोपियां उनके घरों में नहीं बल्कि काना के साथ रास कर रही हैं। उनके लिए तो वे ऐसा देख रहे थे कि वे सभी अपने घर में हर दिन के कार्य समान रूप से ही कर रही हूँ। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले होता है। अब कृष्ण ने गोपियों को अपने अपने घरों को लौट जाने की सलाह दी। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाह रही थी, तो भी कृष्ण के आदेश का उन्होंने पालन किया। ऐसा था कान्हा के लिए गोपियों का प्रेम, था ना अद्भुत। इस रासलीला को आप बार बार सुन सकते हैं इपीलॉग मीडिया वेबसाइट या अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। आज अपनी क्या लीला करें? क्या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर डांडिया लेकर या हाथ से ताली बजाकर कृष्ण राधा गोपी या गोपीश्वर महादेव बनकर रास खेलना चाहोगे? लेट्स डू दैट। सच संवार कर अपनी फोटोज हमारे साथ शेयर करें।